नक्कार खाने में तूती का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब होता है कि जब हर तरफ शोर मचा हो तो एक कमजोर आवाज को कौन सुनेगा। कई बार आप लीक से हटकर मेन स्ट्रीम से अलग काम करते हैं, आपको पैरेलल करार दे दिया जाता है। कभी कभी आपका मन बैठने लगता है, लेकिन फिर वो सच्ची और साहसी आवाज अपना असर दिखाती है। जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द क्विंट और क्विंट हिंदी के चार पत्रकारों को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 2018 का रामनाथ गोयनका अवार्ड दे रहे थे, तो उसे देखकर दिल में यही एहसास हो रहा था, ये भरोसा मिल रहा था कि आप सही काम करते हैं, आप सही दिशा में चलते हैं, तो एक ना एक दिन मंजिल नजर आने लगती है। ये अवार्ड और जिन विषयों पर रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिए गए हैं, वो हमारे देश के इतिहास, मौजूदा समय और भविष्य के बारे में काफी कुछ कहते हैं। क्विंट हिंदी के पत्रकार शादाब मोजी को हिंदी पत्रकारिता कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। शादाब ने अपनी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों की पीड़ा दिखाई। बताया था कि कैसे 2013 में हुए दंगों के 5 साल बाद भी पीड़ित मुजफ्फरनगर में अपने गांव नहीं जाना चाहते, कैसे वो आज भी अपनों को तलाश रहे हैं, पुलिस उन्हें आज भी लापता बता रही है। कुछ पीड़ितों ने बताया था कि उन्होंने अपने परिजनों की हत्या अपनी आंखों से देखी, लेकिन उन्हें पुलिस लापता बताती है। ये कहानी थी दर्द की, नाइंसाफी की, और फिर भी ये कहानी थी मानवता की उम्मीद की। इसी कैटेगरी में दीति वाजपेयी को प्रिंट का अवार्ड मिला है, जो गांव कनेक्शन से आती हैं। द क्विंट की पूनम अग्रवाल को अवार्ड मिला खोजी पत्रकारिता के लिए। पूनम ने एक के बाद एक खुलासों में बताया कि चुनावी चंदे के लिए जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को ये कहकर लाया गया कि इससे सिस्टम पारदर्शी बनेगा, भ्रष्टाचार घटेगा, वो दरअसल बहुत काला है। पूनम ने ही सबसे पहले बताया कि बॉन्ड्स पर एक सीक्रेट नंबर है जिससे डोनर की पहचान हो सकती है। द क्विंट की अस्मिता नंदी और मेघनाथ बोस को अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी में अवार्ड मिला। इन दोनों को उनकी डॉक्यूमेंट्री द मेकिंग ऑफ लिंचिस्तान के लिए अवार्ड मिला है। इसी कैटेगरी में प्रिंट का अवार्ड हिना रोहतगी को मिला, जिन्होंने मोरनी हरियाणा के लोगों की दुविधा पर स्टोरी की कि कैसे 20 फीट ऊंचे पाइपलाइन को पार कर स्कूल या काम पर जाते हैं लोग। न्यूज 18 के अनिरुद्ध घोषाल को सिविक जर्नलिज्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। उन्होंने यूपी सरकार के दावों को गलत बताती रिपोर्ट की थी। यूपी में इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, ये उन्होंने बताया था। बीबीसी हिंदी की सर्वप्रिया सांगवान को पर्यावरण और विज्ञान कैटेगरी में ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया गया। सर्वप्रिया सांगवान की ये स्टोरी झारखंड के जादूगुड़ा में यूरेनियम से प्रभावित लोगों की कहानी कहती है और सवाल उठाती है कि क्या ये इलाका भारत के न्यूक्लियर सपनों की कीमत चुका रहा है। रीजनल कैटेगरी प्रिंट में अन्वेषा बनर्जी को अवार्ड मिला है, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर स्टोरी की है। अब ये याद रखिएगा कि ये तमाम अवार्ड देश के राष्ट्रपति के हाथों दिए गए। ये अवार्ड उस जमाने में दिए गए हैं जब सरकार के खिलाफ नागरिकता कानून को लेकर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अवार्ड उस समय में दबे कुचले और मार्जिनलाइज लोगों की उस आवाज को उठाने के लिए मिले हैं जिन्हें दबाए जाने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति कोविंद ने इस समारोह में कहा कि आज मीडिया का एक खास हिस्सा खबरों के नाम पर मनोरंजन दिखा रहा है, सामाजिक असमानता को दिखाने वाली स्टोरी को नहीं दिखाया जा रहा है, फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है। इस सम्मान समारोह में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के CMD विवेक गोयनका ने बताया कि ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में TV चैनलों की तरफ से क्वालिटी एंट्री कम हुई है, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है। ऐसा क्यों है, ये शोध का विषय है, लेकिन एक बात साफ है कि रात 9 बजे का शोर, चैनलों पर चेहरों की भीड़ और चैनल का एक बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाना और एंकर का एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाना अच्छे काम में तब्दील नहीं हो रहा है, ये विवेक गोयनका ने कहा है। विवेक गोयनका की बातें न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए हौसला बढ़ाने वाली हैं, जो तमाम सीमाओं के बावजूद बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में रामनाथ गोयनका अवार्ड्स और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बातें नसीहत है कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सियासी खबरें नहीं, सामाजिक मुद्दों और ज़रूरतमंदों की आवाज़ उठाना भी है। ये सम्मान हौसला अफजाई करती है कि पत्रकारों को सही और सच्चा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है, इसका असर हो रहा है।